Hello everyone, today's video is about numerical taxonomy and it is the part 2. So in last video we already discussed about the first two components of numerical taxonomy, characters and variations. Now in this video we are going to discuss about the third component, it is OTUs. So OTUs stands for operational taxonomic units. Now the definition: OTU is an operational unit used to classify groups of closely related individuals. So OTU kya hai? Ye wo operational unit hai in any taxonomical study. Isko hum log use karenge kiske liye? For making a classification among the closely related individuals. So is terminology ka first introductions kaun kiye the? It is Robert R. Sokol and Peter H. A. who first time introduced this particular terminology. In case of OTU ka definition kya hai? Is simply the group of organisms currently being studied. To koi bhi numerical taxonomical study mein jo particular groups ko hum log handle kar rahe, use kar rahe for making any classification, that is in simple language known as OTU. So yahan pe aur ek definition hai. The basic selected lowest taxa in any particular numerical taxonomical study are known as operational numerical or operational taxonomic unit. So the basic selected lowest ranking taxa, to yahan pe ye wo taxonomical group hai jo ki hum log handle kar rahe hain to get the knowledge about the next higher ranking taxa. तो यहां पे OTU हमेशा लोएस्ट रैंकिंग टैक्सा ही होगा. इसके बारे में हम लोग वीडियो का भी और डिस्कस करेंगे. सो सम अदर इंफॉर्मेशंस, OTUs मे बी एनी टैक्सा लाइक स्पीशीज, जेनस, फैमिली एटसेट्रा. तो ये कोई भी न्यूमेरिकल और टैक्सोनॉमिकल यूनिट हो सकता है और ग्रुप हो सकता है, लाइक स्पीशीज हो सकता है, ये जेनस हो सकता है, फैमिली हो सकता है, मे बी ये क्लास हो सकता है, ये ऑर्डर हो सकता है. ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन द पर्सन स्टडिंग ऑन प्लांट टैक्सोनॉमी. तो ये वो रिसर्चर या साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का कोई पर्टिकुलर स्टडी परफॉर्म कर रहा है. तो अकॉर्डिंग टू हिम ये OTU वेरी कर सकता है. प्रैक्टिकली द नेक्स्ट लोअर टैक्सोन इज सेलेक्टेड देन द टैक्सोन इज बींग स्टडीड. इसी के बारे में हम लोग जस्ट थोड़ी ही देर पहले डिस्कस कर रहे थे. तो एज एन एग्जांपल हम देख सकते हैं, व्हेन स्पीशीज इज एनालाइज्ड देन द OTU इज डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीशीज. तो हम लोग एज ए OTU किसको सेलेक्ट करेंगे, हमेशा लोएस्ट रैंक्ड टैक्सा को ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे. तो हम जो भी पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिकल यूनिट और ग्रुप के बारे में हम लोग को नॉलेज चाहिए, हम लोग पर्टिकुलरली कोई भी एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप को जब एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हमें उससे जस्ट वन स्टेप लोअर टैक्सोन को सिलेक्ट करना पड़ेगा एज OTU. तो यहाँ पे अगर हम लोग के लिए टारगेट हो स्पीसीज तो हम लोग वहाँ पे OTU सेलेक्ट करेंगे. डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज और यू कैन सी द वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीसीज. सेम हाउ फॉर स्टडिंग जेनस, हमारे लिए OTU क्या हो जाएगा, इट विल बी द स्पीसीज. दैट्स हाउ वी कैन सेलेक्ट द OTU. Thus, OTU may vary study to study and researcher to researcher. So, OTU vary कर सकता है किसके ऊपर डिपेंड करके, कि किस तरह का टैक्सोनॉमिकल ग्रुप को हम स्टडी करना चाहते हैं, और ये डिपेंड करता है उस रिसर्चर या साइंटिस्ट के ऊपर भी जो कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टैक्सोन को स्टडी करना चाहते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन दिस रिसर्चर और साइंटिस्ट एंड अगेन स्टडी टू स्टडी ये OTU वेरी कर सकता है. नाउ OTUs selection to phenogram construction. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरह से OTUs जो कि हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं या करेंगे, जिसको आगे भी परफॉर्म किया जाएगा इन डिफरेंट नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टेप्स फॉर द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. तो जनरली हम लोग OTU को सिलेक्ट करने के बाद कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे जिससे हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, फेनोग्राम मिलेगा. सो लेट्स सी कि क्या क्या स्टेप्स हमें लेना है. वेरी फर्स्ट, selection of OTU, of course. Number two, selection of unit characters. Okay. Number three, expression of the character states in term of
numerical values like 0 1, or symbolic forms like plus minus. Number 4, data analyzed by different coefficients like Jeopard coefficient, correlation coefficient, to construct the similarity matrix. And number 5, construction of phenogram by clustering. तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके फाइनली फेनोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो हम इसी पर्टिकुलर स्टेप्स को इलाबोरेट कर सकते हैं आगे, और आगे देखेंगे हम लोग. पर यहाँ पे हम लोग ओटीयू का सिग्निफिकेंस को भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओटीयू का सिग्निफिकेंस क्या है. बिना ओटीयू सिलेक्शन किए हम लोग फाइनली द फेनोग्राम लाइक स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. तो कैन से दैट इज द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ ओटीयू ऑल्सो. सो लेट्स सी step wise all the things are here. Very first, selection of OTU. So it is the first or very first step. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी OTU select करेंगे. depend कर रहा है किसके ऊपर कि हम किस taxonomical group के बारे में analysis करने वाले, knowledge gain करने वाले. on basis of that हम लोग उसका lowest rank और lowest ranking taxa को select करेंगे. तो suppose here the study is on the genus level, so the selected OTU will be, of course, next lower level is species. So species will be OTU. So it is here given OTU is a species. Suppose हम लोग 5 different species को यहाँ पे select किए, like species A, B, C, D, E. Second step, selection of unit characters. अब हम लोग जो भी particular OTU को select किए उनको अगर हम लोग study करना चाहेंगे तो हमें कुछ characters को particularly कुछ characters को हमें fixed करना होगा, जिस characters को हम लोग आगे जाके study करेंगे. तो that characters are here selecting. We are selecting them. That is, suppose here the selected unit characters are like particular color, simple leaf, trichome, stomata, any character may be here. So that characters are, suppose here we are using in form of C. So like that, here 10 different characters we are selecting, C1 to C10. Now it is about third step. सो हम लोग जो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को सेलेक्ट कर चुके हैं, अब उन कैरेक्टर्स को हमें एक्सप्रेस करना है. अब इस एक्सप्रेशन में हम लोग आइदर बाइनरी सिस्टम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं फॉर द बाइनरी कैरेक्टर्स, और ये मल्टी स्टेट कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं. अगर ये बाइनरी कैरेक्टर्स है तो हम लोग इसको 0 and 1 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि प्लस माइनस भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. 0 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यूज, एंड सिम्बॉलिक फॉर्म के लिए हम लोग प्लस माइनस यूज करके. सो हियर इट इज गिवन, सपोज कैरेक्टर 1 इज सिंपल leaf. So expression of the presence of simple leaf is 1 and absence is 0. तो हम लोग कोई भी characters को जब express करेंगे in binary code system, तो यहाँ पर हम लोग उनका presence को 1 में और absence को 0 में represent करेंगे. In very similar way, all the characters for all the OTUs can be expressed as below. तो हम लोग यहाँ पे एक tabular form देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 5 different OTU को select किए थे, A, B, C, D, E, और 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किए थे. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ए में कुछ रिप्रेजेंटेशन है, लाइक द कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 9 10, ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे ए में प्रेजेंट हैं. दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 1 1 1. बट इन केस ऑफ द कैरेक्टर 7 and 8, ए में ये प्रेजेंट नहीं है, इट इज एब्सेंट. तो वहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट किए लाइक 0 0. सो यू कैन सी हियर. Very similar for the B, again the character 1, 2 is present, but character 3 is absent, again 4 is present, like that. हम लोग सारे characters को यहाँ पे represent कर सकते हैं in form of 0, 1. So it is the third step. Now fourth step. तो हम लोग जो भी characters को वहाँ पे represent कर चुके हैं उन characters को हम analyzed करेंगे. Analyzed करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम लोग different coefficient formula भी use करेंगे. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है Jeopard coefficient, correlation coefficient, simple matching coefficient, like that. So let's see क्या है यहाँ पे. The Jeopard similarity index coefficient and correlation coefficient or simple matching similarity coefficient compares members for two sets to see which members are shared and which are distinct. तो हम लोग यहाँ पे जब भी इस तरह से कोई भी coefficients को use करेंगे तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक्चुअली एट द टाइम हम लोग कर रहे हैं कि कंपेयर कर रहे हैं कोई भी दो OTU का कैरेक्टर्स को, कि हम लोग देखना चाहते हैं कि कोई भी दो OTU कितना परसेंट तक सिमिलर या डिसिमिलर है. सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ कोफिशियंट्स. तो इट इज़ अ मेजर ऑफ सिमिलरिटी फॉर द टू सेट्स ऑफ डाटा.
विथ अ रेंज फ्रॉम 0% to 100%। तो हम जब भी स्टडी करेंगे हमें हर बार दो दो OTU या वन सेट ऑफ OTU को यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग हर बार टू सेट्स ऑफ डाटा को यहाँ पे देखेंगे जिनमें सिमिलरिटीज आइदर टोटली एबसेंट होगा सो दैट विल बी 0% और मे बी यहाँ पे 100% सिमिलरिटी अगर होगा दैट मीन्स द थिंग्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड ऑलमोस्ट सेम और सिमिलर टाइप ऑफ। सो हम लोग इस तरह से यहाँ पे कोफिशिएंट स्टडी करेंगे। द हायर द परसेंटेज द मोर सिमिलर द टू पॉपुलेशंस। सो ये परसेंटेज और सिमिलरिटी परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा ये रिप्रेजेंट क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे कि दो सेट्स ऑफ द डाटा और टू OTU उतना ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड। सो हियर फार्मूला इज देयर सिंपल मैचिंग सिमिलरिटी कोफिशिएंट का, जैसे कि इट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कॉमन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो हम लोग पिछले वाले टेबुलेशन में जाके देख सकते हैं कि अगर हमें सिंपल मैचिंग सिमिलरिटी कोफिशिएंट निकालना है तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सो हियर द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कॉमन बाय टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वी आर यूजिंग फॉर द स्टडी। सो प्रीवियस वन स्लाइड वी आर ऑब्जर्विंग हियर। सो यू कैन सी सपोज हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ए और बी को। सो यहाँ पे वन सेट इन केस ऑफ दिस सेट वी आर हैविंग टू कैरेक्टर OTU दैट इज ए एंड बी और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना कैरेक्टर सिमिलर है। सो इन केस ऑफ ए बी कैरेक्टर वन इज कॉमन फॉर देम सो इट इज द सेम रिप्रेजेंटेशन 1 1। फॉर टू इट इज अगेन 1 1 बट फॉर थ्री इट इज 1 0 वेरी सिमिलर। फॉर फोर इट इज 1 1। सो लेट्स सी कितना ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि ए और बी के लिए सिमिलर है। लाइक कैरेक्टर वन इज कॉमन, टू इज कॉमन, फोर इज कॉमन, फाइव इज कॉमन, सिक्स इज कॉमन, एट इज कॉमन बोथ हैव 0, नाइन इज कॉमन एंड 10 इज ऑल्सो कॉमन। सो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि ए बी के बीच सिमिलरिटी शो कर रहा है जबकि हम लोग टोटल कैरेक्टर्स कितना लिए 10। सो इसी इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल मैचिंग सिमिलरिटी कोफिशिएंट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा वैल्यूज, इन दैट केस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कॉमन इट विल बी 8 फॉर ए बी एंड टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज 10। सो अगर इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा इट विल बी 0.8 और इसके ऊपर परसेंटेज में निकालेंगे तो इट विल बी ऑलमोस्ट 80%। तो हम लोग देख सकते हैं फॉर ए बी सिमिलरिटी ये कितना निकल रहा है कोफिशिएंट वैल्यू इट विल बी 80%। इस तरह से हम लोग डिफरेंट मेंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं लाइक ए विद बी, ए विद सी, ए विद डी और बी विद सी, बी विद डी और डी विद ई, एनी वैल्यूज कैन बी कंपेयर्ड बाय द सेम फॉर्मूला सिंपल मैचिंग सिमिलरिटी कोफिशिएंट। सो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया जिसको हम लोग निकालेंगे बाय द जैकर्ट्स कोफिशिएंट। इन दैट केस हम लोग देख सकते हैं हम लोग क्या लिए कैरेक्टर्स, यहाँ पे हमारे पास OTU क्या है एप्पल एंड बनाना फ्रूट्स, जबकि कैरेक्टर्स के लिए 4 कैरेक्टर्स हैं लाइक स्फेयर शेप, स्वीट टेस्ट, टफ एट मैच्योरिटी, रेड एंड कलर। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एप्पल के लिए चारों कैरेक्टर्स प्रेजेंट्स हैं सो 1 1 1 1। बट बनाना के लिए हम लोग देख सकते हैं इट इज़ नॉट स्फेयर शेप्ड बट टेस्ट इज स्वीट इट्स प्रेजेंट्स इट इज 1। अगेन मैच्योरिटी इट इज़ नॉट अ टफ सो इट इज अगेन 0। रेड कलर्स नो इट इज़ नॉट। सो हम लोग देख सकते हैं बनाना के लिए ओनली 1 इज देयर, बाकी सारे वैल्यूज है 0। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ जैकर्ट्स कोफिशिएंट तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम लोग जैकर्ट्स कोफिशिएंट का फॉर्मूला देख सकते हैं। यह फार्मूला में क्या दिया गया है सिमिलरिटी ए बी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज कैलकुलेटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय ए यूनियन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स यहाँ पे टोटल कितना ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि ए बी में कॉमन है, तो यहाँ पे कितना है ओनली 1 सिंगल टाइम इट इज कॉमन, जबकि ए यूनियन बी मीन्स यहाँ पे कितना कैरेक्टर्स यूज किया जा रहा है। तो कितना कैरेक्टर्स हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं 1 डिवाइड बाई 4 सो इट विल बी 25%। तो इस तरह से हम लोग सिमिलरिटी बिटवीन ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ OTU को कंपेयर कर सकते हैं बेसिस ऑन दिस टाइप ऑफ जैकर्ट्स कोफिशिएंट। बट दैट वैल्यू इज ओनली फॉर द बाइनरी सिस्टम्स दैट इज व्हाट 1 एंड 0 एक्सप्रेशन। बट अगर ये
मल्टी स्टेट कैरेक्टर्स हो तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं. सो दैट इज गिवन इन दिस एग्जांपल. फार्मूला इज सिमिलर. एग्जांपल इज लाइक दैट. सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी. इनके बीच जो वैल्यूज रिप्रेजेंटेशन है इट इज नॉट अबाउट जीरो एंड वन, बट यहाँ पे मोर देन वन वैल्यूज हम लोग हैंडल कर रहे हैं. सो इट इज वाई मल्टी स्टेट कैरेक्टर्स. सो ए के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कितना है 7 3 2 4 1. बी के लिए रिप्रेजेंटेशन कितना है कैरेक्टर्स का 4 1 9 7 5. फार्मूला सेम है, दैट इज एस ए बी. तो ए बी के बीच सिमिलरिटी कितना निकल रहा है, अगेन इट इज ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइड बाई ए यूनियन बी. ए इंटरसेक्शन बी का यहाँ पे मीनिंग क्या है, यहाँ पे इसका मीनिंग यह है कि कितना कैरेक्टर्स और रिप्रेजेंटेशन सेम है अमंग द ए बी. सो लेट्स सी, 1 इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम, 4 इज प्रेजेंट बोथ इन बोथ ऑफ देम, एंड अगेन इट इज 7 इट इज प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम. सो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1 4 एंड 7 आर द ए intersection B values. So it will be 3 different values. Whereas when it is A union B, that means यहाँ पर total कितना number expressions use किया गया. So total number of expression यहाँ पर कितना है, that is 1 is both presents 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 7, then 9. The total values are 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Total number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total 7 values are there. So that's how A intersection B is equal to 3. 3 different number or expressions are there. That is common. Whereas A union B is equal to 7 total number of expressions are there. तो हम यहाँ से 3 divided by 7 values को calculate करके 0.429 निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं एस ए बी और सिमिलरिटी परसेंटेज ऑफ ए बी को निकाल सकते हैं फॉर द वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ मल्टी स्टेट कैरेक्टर्स. नाउ जो भी हम लोग वैल्यूज निकाल चुके हैं मल्टी स्टेट को और बाइनरी सिस्टम्स हो, इन दैट केस जो भी सिमिलरिटी परसेंटेज हमारे पास होगा उनको हम लोग अगर एक टेबुलेशंस में पुट कर रहे हैं, टेबल पे पुट कर रहे हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ टेबुलेशंस मिलने वाला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज एक्चुअली व्हाट नोन एज सिमिलरिटी मैट्रिक्स और यू कैन से कोएफिशिएंट एसोसिएशन. तो सपोज हमारे पास कुछ डाटा है, हम लोग इसको रैंडमली पुट किए, इट इज नॉट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस टेबुलेशन. ये कुछ रैंडम डाटा है और ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा हम लोग आगे देखेंगे किस तरह से फेनोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम लोग. सपोज यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज हैं ए बी के बीच कंपैरिजन से सिमिलरिटी कितना है 0.23. वही सिमिलर ए के साथ सी का सिमिलरिटी परसेंटेज और सिमिलरिटी पॉइंट कितना है, इट इज 0.44. वेरी सिमिलर ए विथ डी इट इज 0.34. अगेन ए विथ ई इट इज 0.53. वेरी सिमिलर यहाँ पर बी के लिए सिमिलरिटी कितना है सी के साथ बी का, इट इज 0.80. बी विथ डी इट इज 0.39. बी विथ ई इट इज 0.55. Very similar for C, C with D it is 0.38, C with E it is 0.49, and it is D with E 0.77. यहाँ पे जितना भी values हम लोग देख सकते हैं in yellow highlighted, very similar values यहाँ पे हमें pink highlighted values में भी मिलने वाला है और pink highlighted zone पे भी मिलने वाला है. तो it is these two values are actually the mirror image. So अगर इन वैल्यूज के ऊपर बेस करके हम लोग नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस करें तो हम लोग फेनोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी किस तरह से हम लोग फेनोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे. हमारा पहला टारगेट होगा टू मेक ए स्केल. सो इन दिस स्केल वी कैन सी इट इज द सिमिलरिटी पॉइंट्स और वैल्यूज जो कि 0.1 से स्टार्ट हो रहा है. दैट मीन्स 10% सिमिलरिटी ये धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और जो कि 1.0 सिमिलरिटी पॉइंट और 100% सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इस स्केल में हम लोग बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी परसेंटेज हम लोग फेनोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे बाय द क्लस्टरिंग मेथड. यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट कि विच वैल्यू इज मैक्सिमम. तो यहाँ पे हम लोग सबसे बड़ा वैल्यूज कौन सा गेन कर रहे हैं, इट इज 0.80. सो इन दैट केस 0.80 के इनके बीच सिमिलरिटी शो कर रहा है, इट इज फॉर बी विथ सी. सो हम लोग देख सकते हैं बी और सी को एक इंडिविजुअल क्लस्टर और ग्रुप में हम लोग रख सकते हैं. So let's make it. So you can see it is B and C. इनके बीच सिमिलरिटी कितना है, इट इज 80%. दैट इज वर्ट 0.8. सो दैट इज 80%.
so it is near about in this zone, so it is 80% similarity in a single cluster or group. Now the next highest value among these all, it is 0.77. it is again between whom? D and E. So D or E को हम लोग अगेन और एक क्लस्टर में रख सकते हैं, बट यहाँ पे परसेंटेज क्या होगा ऑफ सिमिलरिटी, हियर द परसेंटेज इज 77, मीन्स 77% सिमिलरिटी. सो समहाउ और इट विल बी लिटिल बिट लोअर देन द दिस 80% स्केल. सो नाउ इट इज अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ए. हमारे पास ऑलरेडी बी सी डी ई आ चुका है, अब हमारा काम है कि किस तरह से ए इन वैल्यूज के साथ और इन इंडिविजुअल OTU के साथ कनेक्टेड है. तो फॉर दैट पर्पस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ए बी सी के साथ कितना कनेक्टेड है और ए डी ई के साथ कितना परसेंट सिमिलरिटी में कनेक्टेड है. तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे. हेयर हम लोग एवरेज वैल्यूज निकालेंगे कि हाउ ए बी इज कनेक्टेड और हाउ ए एंड सी इज कनेक्टेड. सो वेरी बिगनिंग वी कैन फाइंड आउट ए विथ बी, इट इज सिमिलरिटी 0.23. अगेन ए विथ सी, ए विथ सी इट इज सिमिलरिटी 0.44. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए के साथ बी और ए के साथ सी का जो भी सिमिलरिटीज है, दीज आर द टू वैल्यूज ए विथ बी एंड ए विथ सी. अब इनका एवरेज निकालेंगे तो कितना होगा, 0.34. नाउ हम लोग कन्फर्मेशन के लिए अब ए के साथ डी और ई का भी सिमिलरिटीज को फाइंड आउट करेंगे. सो लेट्स मेक इट, सो इट इज अगेन हाउ ए इज कनेक्टेड विथ the value of D, it is 0.34, we can see it AD, and A with the value of E, it is 0.53. the average value will be 0.44. so that's how I can see A BC ke saath 34% mein connected hai, jabki A DE ke saath 44% mein connected hai. but hume aur ek cheez bhi yahan pe dekhna hai ki BC kis tarah se DE ke saath connected hai. यहाँ पे बी सी क्लस्टर भी डी क्लस्टर के साथ किस तरह से कनेक्टेड है उसका भी परसेंटेज हमें निकाल लेना पड़ेगा. सो फॉर दैट पर्पस वी आर अगेन मेकिंग हाउ बी इज सिमिलर विद डी एंड बी इज सिमिलर विद ई, वेरी सिमिलर सी इज सिमिलर विद डी एंड सी इज सिमिलर विद ई. इन वैल्यूज को भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो व्हेन वी विल मेक द पर्टिकुलर कैलकुलेशन और एवरेज वैल्यूज तो हमें पता चल जाएगा किस तरह से बी सी डी के साथ कनेक्टेड है. सो लेट्स मेक इट BD similarities 0.39, BE similarities 0.55, CD is 0.38, CE is 0.49 and average value is 0.45. तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तीनों वैल्यूज में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू जा रहा है 0.45. तो हम लोग कह सकते हैं कि A क्लस्टर BC के साथ और क्लस्टर DE के साथ जो भी परसेंटेज में कनेक्टेड है, दिस आर लेसर than the BC is connected with DE. That is because it is maximum value 0.45 or 45%. तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि BC DE next level of connections में आएंगे. So let's make them. So that's how in 45% similarity or 45% similarity में BC cluster DE के साथ connected. Now it is a time for the A. We have to find out A किस तरह से connected. So for that purpose again we have to make the particularly the average value, we have to calculate the average value how A is connected with B, C, D, E, all of the values. So for that purpose we are finding outer, that is A similar with B, it is 0.23, A similar with C is 0.44, A similar with D is 0.34 and AE is 0.53. तो अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.38. मतलब हम लोग 0.38 और 38% में कनेक्ट कर सकते हैं द वैल्यूज ऑफ ए विथ दिस ऑल द वैल्यूज बी सी एंड डी. सो लेट्स मेक इट, वी कैन सी हियर दैट्स हाउ हम लोग यहाँ पे सारे के सारे ओटीओ को कनेक्ट कर सकते हैं बाय दिस टाइप ऑफ लाइंस, और इस तरह से हम लोग फेनोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. So that is how we are constructing the phenogram. अब यहाँ पे phenogram बनने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटा छोटा groups बन चुका है, like the group of BC और group of DE, और इस particular smallest groups को हम लोग क्या कह सकते हैं, the clusters. अब clusters का size
परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी के ऊपर धीरे धीरे बढ़ सकता है. लाइक वेरी बिगिनिंग यू कैन से बी सी एंड डी आर टू इंडिविजुअल क्लस्टर्स, बट इफ यू आर टेकिंग द वैल्यूज ऑफ लेस सिमिलरिटीज और सिमिलर परसेंटेज तो हमें क्या मिलेगा. एट 45% सिमिलरिटी बी सी डी ई ऑल आर कनेक्टेड इन अ सिंगल ग्रुप, सो इट इज अगेन अनदर बिगर और लार्जर क्लस्टर. अगर हम लोग परसेंटेज ऑफ सिमिलरिटी को और थोड़ा डिक्रीज करेंगे, दैट इज एट 38% सिमिलरिटी, तो हम लोग ए को भी इंक्लूड कर सकते हैं इन अ सिंगल लार्ज क्लस्टर. सो यू कैन सी दिस ऑल आर द क्लस्टर्स वेदर द स्मॉलेस्ट क्लस्टर इज बी सी एंड डी और द नेक्स्ट लेवल ऑफ हायर क्लस्टर इज बी सी डी ई और द लार्जेस्ट क्लस्टर फॉर दिस फेनोग्राम इट इज ए बी सी डी ई. So that is what in this particular slide we discussed. Thank you for your attention. Thanks a lot.